हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने शेयर किया है जिनकी नई नई शादी हुई है वो अपना मुंह दिखाई पर किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, सब आपको देखते रह जाएंगे अगर आप इस तरह से तैयार होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए वीडियो में बने रहना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए लाइक शेयर करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है टोनर से। मैंने लिया है गुड वाइब्स का एप्पल ग्रीन एप्पल टोनर। इससे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, स्किन पर हाइड्रेशन बनी रहेगी, साथ में मेकअप भी हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, सो इसलिए। उसके बाद मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, क्योंकि समर है तो जो आप आते हैं ना लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, आप वही यूज़ करें। तो मैंने एज आ फेस मॉइस्चराइज़र यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा होता है एंड ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, तो समर के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है अपनी आँखों के ऊपर लगाने के लिए। इससे हमारी आँखें हैं जो इवन आउट हो जाएंगी, जो भी डार्कनेस होगी वो अनइवन है ना, वो इवन आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कलर्स लगाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक अच्छा सा इवन आउट बेस कर रही हूँ ताकि कलर्स हैं जो पॉप आउट होकर निकले। सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद लैक्मे का पाउडर लिया है मैंने विद सनस्क्रीन। फ्लफी ब्रश की हेल्प से कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। उसके बाद मेकअप रिवोल्यूशन रिलोडेड आई शेडो पैलेट यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। उसमें से एक ऑरेंज ब्राउन कलर लूँगी, उसे सिर्फ मैं अपनी आउटर वी पर लगाऊंगी एंड हल्का सा मैं क्रीज में डिपॉजिट करूँगी। देन सर्कुल मोशन में मैं हल्का हल्का उसे ब्लेंड करते जाऊँगी जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद हल्का सा मैंने डार्क कलर लिया है, उसी कलर के साथ में उसको सेम डायरेक्शन में अच्छे से सर्कुल मोशन में ब्लेंड करते जाऊँगी। देन उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पर गोल्डन शेड अप्लाई किया है फिंगर की हेल्प से एंड थोड़ा सा आउटर वी के आगे मैंने ऑरेंज शेड यूज़ किया है जो ट्रांजिशन कलर था। उसके बाद हल्का सा ब्लैक शेड लिया है आईज़ को डिफाइन करने के लिए, आउटर वी को इंटेंसीफाई करने के लिए, तो उसे भी मैं सर्कल मोशन में अपने आउटर वी पर लगाऊंगी। देन एक्स्ट्रा थोड़ा सा ग्लैम ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से गोल्डन गिल्टर शेड लगाया है उसी शेड के ऊपर। उसके बाद आईब्रो फिल करने के लिए इसी पैलेट में से ब्राउन ब्लैक शेड से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। सो इसके बाद मैं एक जो आईब्रो पेंसिल आता है ना उसकी ब्रश की हेल्प से सारे जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि हार्श ना हो। एज अ आईलाइनर मैंने ब्लैक शेड यूज़ किया है इसी पैलेट में से आईशैडो फ्लैट ब्रश की हेल्प से, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से स्मोकी लुक। और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर दिया है। सो उसके बाद ना यहाँ पे मैंने लूज पिगमेंट आते हैं उसे मैंने सेंटर ऑफ द लिड पर अप्लाई किया है, इससे आंखें बहुत ही प्यारी लगेंगी। आईलैशेज हैं जो मैंने अपने ऑफ कैमरा ही यहाँ पर लगा लिए थे। सो या उसके बाद फेस मेकअप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे वेट एंड वाइट का मैंने इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ किया है, क्योंकि ये ब्राइडल के लिए लुक है तो ब्राइड जो होती है ना बहुत ही ग्लोई ग्लोई एंड बहुत ही अच्छा लगता है उनका फेस, तो मैंने इसलिए इसे यूज़ किया है। एक्स्ट्रा ग्लो ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लैम 21 का इल्यूमिनेटिंग क्रीम भी यूज़ किया है ताकि सबकी नज़र ब्राइड पर हो, और ब्राइड जो होती है ना बहुत ही ग्लोई ग्लोई उनका मेकअप होता है, उनका बेस होता है, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। सो फाउंडेशन के लिए मैंने HD फाउंडेशन यूज़ किया है। सो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो मैंने ये ब्राइडल के लिए लुक कर रही हूँ ना मैं आफ्टर मैरिज, तो मैंने इसलिए इसे यूज़ किया है एंड इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। आपने नेक ईयर को नहीं छोड़ना है, मैं पूरे नेक ईयर पर भी लगाऊंगी। सेम कंसीलर मैंने अपने हाई पॉइंट्स पर लगा लिया है, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ तो क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है एंड इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है एंड इसका शेड भी बहुत अच्छा है जो कि बहुत ही अच्छे से मेरे पे जाता है। एंड सेम पाउडर मैंने अपने कंसीलर के ऊपर लगा लिया है ताकि कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। एंड हल्की सी मैंने बेकिंग की है क्योंकि ऑयली स्किन है, तो मैं चाहती हूँ जो मेरा मेकअप है ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा रखने के बाद 5 सेकंड के बाद मैं अच्छे से सारे फेस को सेट कर लूँगी, यानी कि पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूँगी। फेसेस कैनाडा का मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है मेकअप को सेट करने के लिए एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद शुगर मिनी ब्रॉन्जर यूज़ किया है फेस की
कंटूरिंग करने के लिए, ताकि मेरा फेस जो है बहुत अच्छे से शेप में आ जाए। अच्छे से मैं नोज़ की भी कर लूँगी कंटूरिंग, एंड शुगर का ही मैंने यहाँ पे ब्लश यूज़ किया है अपने चिक्स पर। फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से हल्का सा मैं नोज़ पर भी लगाऊंगी, एंड जो ब्लश है ना मैं ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ये न्यू ब्राइड के लिए लुक है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया है। फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, एंड इनर कॉर्नर को और ब्रा बोन को मैं फिंगर की हेल्प से ही हाईलाइट कर लूँगी। एंड अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। एंड लॉरियल का मैंने यहाँ पे वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है ये, एंड लैशेस को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे देता है। ब्राउन ब्लैक शेड को मैंने लोअर लैश लाइन के क्लोज लगा लिया है, एंड गोल्डन शेड को इनर कॉर्नर पर लगा लिया है मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद व्हाइट काजल यूज़ किया है मैंने रिमल का, इससे आंखें बहुत ही प्यारी एंड बड़ी लगेंगी। सो सेम मस्कारा मैंने अपनी लोअर लैशेस पर भी लगा लिया है। इसके बाद मैं मैटमी का डीप रेड कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ब्राइड के लिए लुक है तो ब्राइड कलर ही अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं अब रेडी होकर आप लोगों को मिलती हूँ फाइनल लुक के साथ। सो, ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइज। मैंने इस लुक को बिंदी एंड कुछ इस तरह से मैंने हैवी ज्वेलरी पहनी है एंड चूड़ा डाला है, क्योंकि ब्राइड का लुक इस तरह से ही होता है, तो मैंने इस तरह से इस लुक को कंप्लीट किया है। एंड ट्रस्ट में गाइज, अगर आप इस तरह से तैयार हो गए ना तो सब आपको देखते रह जाएंगे, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल, इतना मतलब ग्लोई डूई मेकअप है, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। सो, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये लुक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, साथ में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का लुक कैसा लगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, बाय।